नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। शाहबाद का डिजिटल नंबर वन चैनल आशा एक भारत देख रहे हैं आप, और हमारे साथ अभी कृषि मंत्री और लोकल विधायक आरा के श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। और अभी आज जैन धर्म का जो है श्री विशुद्ध महाराज जी का 49वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, इस उपलक्ष्य में यहाँ पे मौजूद है। क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ इन्होंने सीखा यहाँ पे आके, क्या कुछ ये कहने जा रहे हैं, चलिए इनसे ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है, और किस तरीके से देख रहे हैं आज 49वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? देखिए, जैन समाज ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। ये शाहबाद की धरती है, इतिहास है इसका, और ये उस समय में इस धर्म का अवतरण हुआ था जब सृष्टि काल एक सभ्य समाज का स्वरूप ग्रहण कर रहा था उस काल में। तो इसका सृष्टि से नाता है, सृष्टि के प्रारंभ से नाता है। ईश्वर ने मनुष्य को जन्म दिया, बनाया, तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में बनाया। सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ जीव मनुष्य है, और मनुष्य को उन्होंने कहा कि जीवों की रक्षा करो, जीवेतर प्राणियों की रक्षा करो, समस्त सृष्टि की, समस्त प्रकृति की रक्षा करो, केवल मनुष्य जाति की नहीं, समस्त जीव जाति की। और यहाँ तक कहा कि पर्वतों की रक्षा, नदियों की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा, आकाश की रक्षा, पानी की रक्षा, हवा की रक्षा, वनस्पतियों की रक्षा, सबकी रक्षा करो, ये तुम्हारे जिम्मे है, सबकी रक्षा करो, सबको जियो और जीने दो, यह अधिकार उन्होंने दिया था। जैन धर्म का प्रादुर्भाव तो उसी प्रकृति के गोद में हुआ, तो उसी प्रकृति के रक्षा के लिए हुआ था, इसीलिए अनादि और सृष्टि के प्रारंभ से है। आज जो महाराज जी आए थे, विशुद्ध सागर जी महाराज, विशुद्ध सागर जी महाराज, उनका 49वां जन्मदिन था, और उनके जन्म जयंती पर देश भर से और विदेशों से भी लोग आए हैं, कनाडा से कई सारे लोग, हम विदेशों से भी आए, तो वो लोग आए हुए हैं यहाँ। ये आरा का सौभाग्य है, मैं तो उनको प्रणाम करने, उन सभी का अभिनंदन करने के लिए यहाँ आया था, और वह मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी का दर्शन, उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला, और जो देश से और देश के बाहर के लोग जो आए थे, देश के कोने कोने से, उन सबको भी प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब सीखने को मिलता है सर, सीखने को यही मिला कि जियो और जीने दो, हम जिए। देखिए, आरा में जो जैन समाज है, मैं बराबर इस बात को कहता हूँ कि जब से यहाँ आए हैं तब से मारेंगे या मर जाएंगे, लेकिन नहीं, शांति से रहना, हिंसा ही एक मार्ग नहीं है, और भी मार्ग है, ऐसा फिर बताया, और जीने का जो तरीका है वो सिखाया, एक दूसरे के परस्पर प्रेम से, सौहार्द से, तो अपने भी जियो, और जियो तो संतान के लिए जियो, अपनी पत्नी के लिए जियो, अपने परिवार के लिए जियो, समाज के लिए जियो, संसार के लिए जियो, पूरे प्रकृति के लिए जियो। एक सवाल है सर, बिहू जैन हमारे बीजेपी के जो यहाँ के हैं मेंबर, उनसे भी एक सवाल हमने किया था, और ख़ासकर आपसे एक सवाल अहम बन जाता है क्योंकि आप कृषि मंत्री भी हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मंदिर है पूरे बिहार में, 40 से ऊपर मंदिर यहाँ पे है, 47 मंदिर है, और जिस तरीके से जैन धर्म यहाँ पे चारों तरफ में है, तो क्या लगता है यहाँ पे पर्यटन स्थल भी बनना चाहिए? यहाँ पे कुछ ऐसी मांगे उठ रही हैं आम जनता की भी कि पर्यटन स्थल भी मंत्री जी उठाएं, क्योंकि आपने पहले भी बहुत सारे काम किए हैं जैन धर्म के लिए, तो अभी आगे का क्या लक्ष्य होगा आपका? देखिए, आदित्य जैन साहब, इनके पिताजी, यहाँ जब मैं पहली बार प्रतिनिधि हुआ तब से उन्होंने कई प्रस्ताव मेरे सामने रखा, और इतिहास का जो आख्य था वह भी दिया,
साक्षी भी उपलब्ध करवाए। मैंने उसको सरकार के सामने रखा, सदन के पटल पर रखा और सरकार सिद्धांत रूप में जैन सर्किट के निर्माण के लिए तैयार हो गई और उसने स्वीकार किया है। महावीर जयंती भी आप ही के द्वारा मांग रखी गई, बाद के वर्ष महावीर जयंती इसके बाद मनाया जाता है, छुट्टी भी मिलती है। सही बात है। तो उनका था प्रमुख जैन साहब का, और उस समय से मैंने इसमें और इसलिए प्रयास किया था। लेकिन सरकार भी कुछ कर रही है, सरकार भी करने वाली है और आगे भी सरकार करेगी, इसको सोचेगी। जैन सर्किट भी जैसे भगवान राम का जो सर्किट है, अयोध्या सर्किट बोलते हैं उसको, बड़े बड़े ऋषियों का, बुद्ध का सर्किट हो रहा है, वैसे जैन सर्किट भी निकट भविष्य में अपना आकार ग्रहण करेगा। यह हमको उम्मीद है, इसकी आशा है और इसके लिए हम पहले भी लगे थे, आगे भी लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय नहीं देंगे क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल आपका है और इसमें आप हमें समय दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये मंत्री जी थे, आरा के लिए लोकल विधायक ही हैं अभी तक, लेकिन पूरे बिहार के लिए मंत्री बन चुके हैं, कृषि मंत्री हैं। और इन्होंने जो बातें रखी हैं और कहा है इन्होंने कि सर्किट का जो प्लान है वो जरूर होगा आरा में और इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। इन्हीं के द्वारा पिछले वर्षों में और पिछले कार्यकाल में महावीर जयंती का जो आवाज़ उठा था सदन में, उसके बाद महावीर जयंती भी आज देन इन्हीं का है कि महावीर जयंती मनाई जाती है और छुट्टी का दिवस मनाया जाता है। तो आगे भी हमें उम्मीद रहेगी कि आरा के लोगों को उम्मीद रहेगी कि पर्यटन स्थल जो है जैन के रूप में यहाँ पर मनाया जाए। और इतनी सारी मंदिर है यहाँ पर, 47 मंदिर हैं, जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा मंदिर आरा में है। तो खबर यहीं तक जरूर बताइएगा कि मंत्री जी क्या बात, कैसा लगा आपको और किस तरीके से आप देख रहे हैं। आशा एक भारत देख रहे थे आप शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। कैमरे के पीछे भी यानी कि वीडियो जर्नलिस्ट रवि प्रकाश के साथ मैं रैना सिंह, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुर। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।